वाहे गुरु। आप नारायण कला तार जग मै परवरियो, पट कीरत जी दे इन्हां शब्दां नूं अपने मन विच वसांदे होए गुरु प्यारी सात संगत जीओ, आओ सारे रल के गुरु साहिबां दी दित्ती फतेह सांझी करिए जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। साढ़े सारियां दे जीवन काल विच ऐ एक अनमोली सौगात है कि असी धन गुरु नानक साहिब जी दे संसार आगमन की 550वीं याद मना रहे हाँ। इस भागा भरी दात नूं प्राप्त करके सारे बड़ा मान ते आनंद महसूस कर रहे हम। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ते आप गुरु रूप सात संगत दे सहयोग नाल ही ए विशेष उपराला हो रहा है। इस विच गुरु साहिब आप अपनी असीस दे के गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूलों विच गुरमत कीर्तन दे अभ्यासी विद्यार्थियों पासों हर जस गायन दी सेवा ले रहे हैं। मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ते गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूलों दे विशाल परिवार वालों आप जिन्हों जिया नूं आखदी हाँ ते धन गुरु नानक साहिब दे 550वें आगमन पुरब दी लख लख वधाई देंदी हाँ। गल विशालता दी आउंदी है ता असी धन गुरु नानक साहिब जी दे उस विशाल कलावे व्यापक बुकल दी गल करदे हाँ जिस विच ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बने आई। ए विशाल गुरु नानक हिरदा सारे ब्रह्मंड नू प्यार बनता है। पताला पताल लख आगासा आगास। इस विच गुरु साहिब संसार दे निके थाला, निके दीव्या, निके मोतिया, फुला आदि था सारे संसार दे कण कण नू अकाल पुरख दी हो रही मंगल आरती विच शामिल कर लेंदे हन। सारी सृष्टि, सृष्टि दा हर एक किणका अकाल पुरख दी आरती विच शामिल है। आओ असी भी उस निरंतर हो रही मंगलमई आनंदमई आरती विश्व आरती विच शामिल होइए। इस कीर्तन समागम दी पहली पेंट सतगुरु नानक देव जी दे सन्मुख पेश करिए।
विश्व आरती जो हर समय ब्रह्मांड दे किनके किनके विच लगातार हो रही है। गुरु रूप सात संग जियो भारत विच मध्य काल राजसी ते धार्मिक जुगगढ़ी का समा है, जिसका सजीव अते इन बिन चितर गुरु नानक देव जी ने ही उलीकिया है। कल काती राजे का साई तरम पंख कर उड़ रहा, कूड़ अमावस सच चंद्रमा दीसे नाही कह चढ़िया। इस अगो प्रमाणिक सबूत भाई गुरदास जी दी वार विच मिलदा है। कल आई कुत्ते मुही खाज हुआ मुर्दार गुसाई, राजे पाप कमाव दे उल्टी वाड़ खेत को खाई। प्रजान दी ज्ञान बिन कूड़ कुसत मुखो अलाई, चेले साज बजाए दे नजन गुरु बहुत बिद पाई। सेवक बैठन करा विच गुर उठ कड़ी तिनारे जाई, काजी होए रिश्वती वड़ी लैके हक गवाई। स्त्री पुरके दाम हित पावे आए किथा हो जाई, वर्त्या पाप सबस जगमाही, वर्त्या पाप सबस जगमाही। ते फिर प्रभु दी रहमत होई, जल्दी सब पृथ्वी दी पुकार सुन के आप नारायण कला तार जग मैं परवरियो। आप नारायण दे नानक रूप होके प्रकटन नाल पाप ते अज्ञानता दी तुंद मिट गई, ते सच हक दा प्रकाश फैल गया। सन 1469 ईस्वी नू रायपोई दी तलवंडी वेखे मैं ता कालू जी अते माता पिता जी दे कार आप परमेश्वर ने गुरु नानक रूप लैके अवतार तारिया। आओ जी इस बाबत एस शब्द सरवण करदे हां, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। Yeah.
पाप दे हनेरे विच सच्चा चन चढ़िया। पर थाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहान है। धन गुरु नानक साहिब जी दे उपदेश पावे किसी भी व्यक्ति विशेष ले सन, पर ओ काल स्थान ते उद्देश दे पक्षों सारे जहान ले सांझे हन। हुण भी सार्थक हन ते अनंत काल तक साथी रहेंगे। जदों अकाल रूप गुरु साहिब दा मिलाप भाई मर्दाना जी नाल होया तो गुरु साहिब ने फरमाया, भाई तेरा राग तो बड़ा उच्चा है, अकाल पुरख नाल मेलन दे समर्थ है। चल अपा अकाल पुरख दे हुकम नाल सारी धरती दा भ्रमण करिए। प्यार दे बजे भाई मर्दाना जी अपने प्यारे नाल ऐसे पक्के गंढ बज गए कि चार महान उदासियां विच अपनिया अखां सामने सज्जन ठग दा भला हुंदे वेख्या, नूरशाह जादूगरनी दा कूड़गढ़ टुटदे वेख्या, भूमिए चोर नू साध हुंदे वेख्या। गुरबाबा नानक जी दी जाहर कला हर जी उत्ते हर जर्रे उत्ते हर पल वर्तदी वेखी। इस बारे भाई गुरदास जी फरमाउंदे हन, एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मर्दाना। आओ इस शब्द सरवण करिए ते शब्द राही गुरु साहिब दी कृपा नू बगदाद शहर विच वर्तदा वेखिए। एक बाबा अकाले Yeah.
ਮਾਣ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਆਦਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਮਾਣੀ ਹੈ, ਨਿਤਾਣੀ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਿਆਸਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਸਭਲਾ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਕੇ ਅਬਲਾ ਤੋਂ ਸਬਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪੀੜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਕੜਾਂ ਸਮੇਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜੀਆਂ, ਵੈਰੀ ਦੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਅਦੁੱਤੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਾ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਪਵਾਏ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਹੂ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ।
ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਹਜੇ ਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਧੜਕਣਾਂ ਵਾਂਗ ਧੜਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣ ਐਸੇ।
इस कीर्तन समागम दी अंतिम पेंट रूप विच सलोक दे रूप विच गुरु साहिब गुरु नानक देव जी दा संदेश अकाल पुरख हर रूप विच हाजर नाजर है। ओ पवन है, पानी है, ते विशाल धरती वांग आप ही जिया नू पाल रहा है, जीवन दान दे रहा है, ते मारक दर्शन कर रहा है। सतगुरु दे ज्ञान राही जो प्रभु नू पा लेंदे हन ओ सारे संसार दा भला कर जांदे हन। परिवार वालों धन गुरु नानक साहिब दे 550वें प्रकाश पुरब दियां खुशियां लैण दा निक्का जिहा उपराला। जेकर बच्चियां वालों कोई भुल हो गई होवे तां खिमा कर देना ते असीस देना कि मानवता दा संदेश देण वाले इन्हां स्कूलां ते गुरु साहिब अपनी कृपा दृष्टि रखण। हुण फतेह सांझी करो जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।